Charge is an intrinsic property of matter also, without which matter cannot exist. Charge or mass. So charge is intrinsic property of matter. We are aware of it. Right. Now comes Coulomb's law. Coulomb's law कि if they if we have two charges, Q1 and Q2, and the distance between the charges is R. तो द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू चार्जेस इज प्रपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्र ऑफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस और एफ वेक्टर आएगा यहाँ पर वन बाई फोर पाई एप्सल इन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वेयर और ये आएगा आर कैप आर कैप रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव माना जाता है क्यू वन के लिए आउटवर्ड होगा इधर और Q2 के लिए आउटवर्ड होगा इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ ठीक है रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इसको पॉजिटिव माना जाता है आप देख सकते हो कि यहां पर यह कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ज पर भी डिपेंड करता है ठीक है इसमें एप्सुल नॉट की वैल्यू क्या होती है एप्सुल नॉट की वैल्यू होती है 8.85 पॉइंट एट फाइव टू टेन टू द पावर माइनस ट्वेल्व कुलम स्क्वेयर पर न्यूटन मीटर स्क्वेयर ठीक है और इसको बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस इसका मतलब होता है इट गिव्स अस अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हिच अ मीडियम अलाउज़ टू पास थ्रू इट ठीक है और ये भी हमने पढ़ा हुआ है आप लोगों ने पहले कि वन बाई फोर पाई एप्सलिन नॉट की वैल्यू क्या होती है नाइन इन टू टेन टू द पावर नाइन न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कुलम स्क्वेयर सो दिस इज अबाउट न्यूटन लॉ फिर हम बात करते हैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन होता है किसी भी चार्ज के कारण सपोज करिए मेरे पास एक ये प्लस क्यू चार्ज है और इससे मुझे फील्ड देखना है आर डिस्टेंस पे और ये स्मॉल क्यू चार्ज है ठीक है तो द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू चार्जेज इज इक्वल टू वन बाई फोर पाई एप्सल इन नॉट अब से मैं इसको के लिखा करूंगा क्यू इन टू क्यू अपॉन आर स्क्वेयर और आर कैप तो अगर मुझे फील्ड देखना है इस क्यू चार्ज का एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट तो फील्ड की वैल्यू आएगी फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज तो यहां पर हमको मिलेगा ये आई एम नाउ राइटिंग दिस एज के तो दिस इज के क्यू बाई आर स्क्वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज ठीक है अब आती है बात की भाई अब हमको देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन तो पॉइंट चार्ज का फील्ड होता है एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट इट इज के क्यू बाई आर स्क देखा हमने और आर कैप नेगेटिव इसका जो फील्ड लाइन होगा पॉइंट चार्ज का अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज का फील्ड लाइन आएगा ठीक है नेगेटिव फील्ड लाइन होगी नेगेटिव चार्ज होगा तो इसकी फील्ड लाइन रेडियली इनवर्ड्स होगी ठीक है और अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक साथ रखे हुए हैं तो यहां से रेडियली आउटवर्ड निकलेगा यहां रेडियली इनवर्ड टर्मिनेट होगा यहां से रेडियली आउटवर्ड निकलेगा यहां से रेडियली इनवर्ड्स टर्मिनेट होगा फील्ड लाइन की और भी प्रॉपर्टीज होती है फील्ड लाइन की एक और प्रॉपर्टी होती है कि दे डोंट इंटरसेक्ट राइट दे डोंट इंटरसेक्ट द टैंजन ड्रॉन टू द फील्ड लाइन अस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट

अगर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर इसका चार्ज Q1 है जो हमको नोन नहीं है पर इस तरीके से इसमें फील्ड लाइंस दिखाई गई हैं ठीक है और दूसरी दूसरा चार्ज है Q2 और इसमें इस तरीके से फील्ड लाइंस दिखाई गई हैं तो अगर मैं आपसे पूछूं ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से बहुत दूर रखे हुए हैं तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि रेशियो ऑफ ई टू ई बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज वन टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज टू यू डोंट नो द वैल्यूज ऑफ क्यू वन एंड क्यू टू सो वॉट यू विल डू इज यू काउंट द नंबर ऑफ़ फीड लाइन्स आप इन नंबर ऑफ़ फीड लाइन्स को काउंट करिए यहां पर जैसे एट है और यहां पर फोर है तो एट डिवाइडेड बाई फोर करिए तो दिस इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दीज टू चार्जेस राइट ऑल्सो यहां पर एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट सी बात है वो ये है कि अगर आपको ये मीडियम चेंज कर दें हम अगर हम मीडियम चेंज कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करो वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई नॉट है ठीक है इन वैक्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू इज इज गिवन एज ई नॉट तो इन अ मीडियम सपोज करो मैं कुछ और मीडियम की बात करता हूं राइट right? तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी ई नॉट बाई के वेयर के इज द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम अर के इज द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम ठीक है सो इट डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ के सो दिस इज व्हाट वी शुड रिमेंबर अब बात आती है रिंग की तो रिंग का जो फील्ड होगा एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम इट राइट रेडियस ऑफ रिंग इज ए एंड द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रिंग ठीक है तो फील्ड एट ए डिस्टेंस एक्स विल बी गिवन एज के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर पावर थ्री बाई टू ठीक है दिस इज द फील्ड बिकॉज ऑफ द रिंग अब हम बात करते हैं फील्ड बिकॉज ऑफ डिस्क की तो इसका एक्सप्रेशन होगा लेट्स ड्रॉ द डिस्क फर्स्ट दिस इज द डिस्क इसके इसका चार्ज दिया हुआ है हमको क्यू चार्ज ऑन द डिस्क इज क्यू रेडियस इज ए सो वी नाउ नो सिग्मा ऑफ सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी वी नो सिग्मा ऑफ द डिस्क इट इज गिवन एज क्यू अपॉन पाई ए स्क्र अब यहां से x डिस्टेंस पे इसकी फील्ड क्या होगी तो फील्ड ई इज गिवन एज फील्ड ई इज गिवन एज सिग्मा अपॉन टू एप्सल इन नॉट वन माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर यह फील्ड का एक्सप्रेशन होगा ये याद रखना है आप लोगों को क्योंकि यही थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट होता है इसमें ठीक है देन कम्स द एक्सप्रेशन फॉर फील्ड ऑफ स्फीयर मैं स्फीयर में सॉलिड स्फीयर की बात करता हूं ठीक है तो सॉलिड स्फीयर में इनसाइड दिस स्फीयर और आउटसाइड दिस स्फीयर तो इस पॉइंट वन पे हम फील्ड निकालेंगे ये डिस्टेंस एक्स है यहां से इसका चार्ज क्यू है और इसका रेडियस कैपिटल इसका रेडियस ए दिया हुआ है हमको चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वॉल्यूम स्फीयर से आप जब भी याद करेंगे आप हमेशा सॉलिड स्फीयर ध्यान रखिएगा क्योंकि हमने ये रोटेशनल मैकेनिक्स में भी पढ़ा हुआ है ठीक है Field inside is given as kqx upon a cube. Field inside the sphere is given as kqx by a cube. On the sphere, that is on the surface, you replace x as a, you get kq by a square. Right? And outside the surface,

जीरो चार्ज इज क्यू रेडियस इज ए और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जो होगा ये आएगा के क्यू बाई एक्स स्क्वेयर ठीक है तो हॉलो हॉलोस्फियर आ गया नाउ लेट्स डिस्कस पोटेंशियल एनर्जी potential energy electric electrostatic field is a conservative field right so now what we should remember is since electrostatic field फिर और क्या है लोग द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज अगर हमारे पास ये दो चार्जेस दे रखे हैं Q1 और Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस मुझे R दिया हुआ है तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी K Q1 Q2 क्यू टू बाई आर ठीक है इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी K Q1 Q2 क्यू टू बाई आर ठीक है एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं अगर हमारे पास ये एक पेयर ऑफ चार एक ये चार चार्जेस रखे हुए हैं वर्टे, वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वेर पे से दिस इज क्यू दिस इज टू क्यू दिस इज थ्री क्यू एंड दिस इज फोर क्यू तो यहां पर टोटल अगर हम देखें तो पोटेंशियल एनर्जी होगी इस पूरे सिस्टम की एक पेयर बनेगा क्यू और टू क्यू का तो दिस विल बी के टू क्यू स्क्तर अपॉन सपोज द डिस्टेंस इज ए सो दिस इज ए प्लस सेकेंड विल बी के सिक्स क्यू स्क्तर अपॉन ए प्लस के ट्वेल्व के ट्वेल्व क्यू स्क्वेयर अपॉन ए प्लस फोर क्यू स्क्वेयर अपॉन ए प्लस एक पेयर बनेगा डायगनली ऑपोजिट का प्लस के थ्री क्यू स्क्वेयर अपॉन रूट टू ए प्लस के एट क्यू स्क्वेयर अपॉन रूट टू ए ठीक है तो इतने पेयर बनेंगे यहां पे तो ये हमको ध्यान रखना होगा कि हमें हर एक पेयर को इंक्लूड करना है कोई भी हमसे छूटे ना यह हमें इसका ध्यान रखना होता है ठीक है सो दिस वॉज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल इज इफ आई राइट इट एज डेल्टा वी दैट इज चेंज इन पोटेंशियल इट इज गिवन एज डेल्टा यू बाई क्यू ठीक है तो अगर एक चार्ज Q है जिसका पोटेंशियल मुझे आर डिस्टेंस पर निकालना है तो यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज लेके आऊँगा मैं और इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा मैं पहले तो ये हो जाएगी के क्यू क्यू बाई आर हम इन्फिनीटी को लेते हैं इसलिए जो चेंज हुआ यहाँ पर वो भी इतना ही होगा तो अभी यहाँ पर U इतना है और इन्फिनिटी पे U होगा इनका ज़ीरो तो चेंज इन U हुआ यहाँ पर के क्यू क्यू बाई r now what will be change in v? It is sim simple, change in q divided by change in u divided by q. So this q cancels out. This is kq by r. ठीक है? ये डेल्टा v हुआ और ये हुआ v2 minus v1, where v2 is when the charges are at a distance r. तो मैं इसको v r भी लिख सकता हूँ और v1 को मैं इनफाइनाइट मान लेता हूँ. तो this gives me the potential of a point charge q at a distance r from it at a distance r from it is given as vr is equal to kq by r you multiplied nahi hai. this is representing v as a function of r so this is the potential because of a point charge Theek hai? अब यहां पर हम देखते हैं पोटेंशियल बिकॉज ऑफ डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो पॉइंट चार्ज तो अभी देखा हमने पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर रिंग का उसके एक्सिस पे रिंग का इसके एक्सिस पे

तो ये डिस्क हो गया हमारा इससे एक्स डिस्टेंस पर हमको पोटेंशियल निकालना है चार्ज ऑन द डिस्क इज क्यू रेडियस ऑफ द डिस्क इज ए तो पहले तो सिग्मा निकालो इसका आप सिग्मा होगा क्यू अपॉन पाई ए स्क्वेयर ये सिग्मा हुआ तो पोटेंशियल की वैल्यू आई सिग्मा अपॉन टू एप्सल नॉट रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस एक्स ये वी मिला हमको ठीक है वी एट दिस पॉइंट नाउ वी वॉन्ट टू फाइंड पोटेंशियल बिकॉज ऑफ अ सॉलिड स्फियर इनसाइड एंड आउटसाइड ठीक है तो वी इन होता है कॉन्स्टेंट होता है ये के क्यू बाई नहीं दिस इज अ सॉलिड स्फियर सो इट विल नॉट बी अ अंस्टेंट सो पोटेंशियल बिकॉज ऑफ अ सॉलिड स्फियर इनसाइड द स्फियर Is given as this has charge Q, radius A, and inside the solid sphere potential is given as KQ by two A cube times. Three A square minus X square. Right. So this is the potential inside the sphere at this point, which is at a distance X. This is V in. Right. Now वी आउट इज वेरी सिंपल वी आउट इज के क्यू अपॉन एक्स square. ठीक है हॉलो स्फीयर की बात करते हैं हॉलो स्फियर में पोटेंशियल इन साइड इज गिवन एज वी इन द चार्ज इज क्यू द रेडियस इज ए एंड वी इन इज इक्वल टू के क्यू बाई ए राइट एंड वी आउट इज इक्वल टू के क्यू बाई एक्स स्क्वेयर

du is given as minus dw c by q negative of work done by the conservative force all of us are aware that electric electrostatic force is a conservative force so this is fc dot dr the force into displacement right the dot product of force and displacement now this fc by r this fc by r is the field right so this is minus e dot

कॉस्ट थीटाइज द कॉम्पोनेट ऑफ फील्ड एलोंग डी आर कॉम्पोनेंट ऑफ फील्ड एलोंग डी आर वेक्टर अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है देखो आप मान लो ये एक पॉइंट है वन और दूसरा पॉइंट है ये टू यहां पोटेंशियल वी वन है यहां पोटेंशियल वी टू है ठीक है इनके बीच का डिस्टेंस है आर अगर कोई आपसे पूछे कि भाई फील्ड बताइए आप वन से टू के डायरेक्शन में फील्ड कितनी है तो ई वन टू क्या है तो ई वन टू विल बी नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल वी टू माइनस वी वन अपॉन आर यह आएगा ई वन टू ठीक है इसका बहुत अच्छा एक्सप्रेशन बहुत अच्छा एप्लीकेशन भी है तो मैं एक एग्जाम्पल आपको यहां पर करवा देता हूं एक एग्जाम्पल देखते हैं पोटेंशियल अगर दिया हुआ है मुझे फंक्शन ऑफ से थ्री वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जेड तो मुझे जितने वेरिएबल्स का फंक्शन होगा पोटेंशियल उतने ही मुझे कॉम्पोनेंट्स ऑफ फील्ड मिलेंगे तो ई एक्स आएगा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स ठीक है ई e वाई आएगा माइनस डेल वी बाई डेल वाई ई जेड आएगा माइनस डेल वी बाई डेल ठीक है तो ये हमको e e e मिलेगा इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इज़ गिवन टू मी सो विल बी क्या आएगा ई e वाई आएगा माइनस डेल वी बाई डेल वाई या आएगा माइनस टू वाई तो एक्सप्रेशन फॉर फील्ड क्या हो गया इस पूरे के लिए तो ये हो गया माइनस टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप ठीक अब ये तो हो गया पोटेंशियल से फील्ड निकालना अगर फील्ड दिया हुआ है तो क्या करेंगे हम तो फील्ड दिया हुआ है अब हमको E तो E दिया हुआ है हमको से एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप या इसको थोड़ा और हम ये एक्सप्रेशन लेते हैं वाई आई कैप प्लस एक्सजे कैप अब आई हैव टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए वेयर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर वन कामा टू एंड बी वेयर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू आर टू कॉम आ थ्री सो आई हैच इज सबसे पहले हम लिखते हैं डी आर वेक्टर डी आर थ्री डायमेंशनल वेक्टर में होता है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप ठीक है तो डी वी की वैल्यू क्या आएगी डी वी की वैल्यू आएगी माइनस ई डॉट डी आर ये आएगा माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई तो दिस इज डी वी राइट नाउ आई हैव टू इंटीग्रेट इट क्योंकि मुझे v निकालना है ना तो ये होगा वी ए से लेके वी बी तक अब यहां पर देखो इसको इंटीग्रेट करना थोड़ा टीडियस है पर अगर हमको कैलकुलस का बेसिक नॉलेज भी है तो आप देखोगे कि ये इस तरीके से अरेंज हो सकता है डी ऑफ एक्स वाई प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन ठीक है तो अब ये कहां से कहां तक वैरी हो रहा है वन कॉमा टू से लेके टू कॉमा थ्री तक तो दिस इज वीबी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई वन कॉमा टू 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 कॉमा थ्री सो दिस इज माइनस सिक्स माइनस टू और इट इज माइनस फोर वोल्ट ठीक है तो दिस इज हाउ वी कैन दिस was अवर सेकेंड example example टू तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं तो अगर हमें पोटेंशियल मालूम है अगर हमें पोटेंशियल मालूम है उससे हमें फील्ड निकालना है तो हम उसको डिफ्रेंशियट करते हैं और अगर हमें फील्ड मालूम है फील्ड दिया हुआ है पोटेंशियल निकालना है या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हम उसको इंटीग्रेट करते हैं ये मैंने आपको दो एग्जाम्पल से समझाया है ठीक है नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल ठीक है तो वॉट इज अ डाईपोल टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाई अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सो वेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस दे आर सेपरेटेड बाई अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस दे कॉन्स्टिट्यूट डाइपोल ठीक है तो d इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r, ये एंगल थीटा है अगर तो पोटेंशियल एट a क्या हो जाएगा पोटेंशियल एट a होता है के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वेयर वेयर p इज q इंटू डी एंड दिस p इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट ठीक है द इंपॉर्टेंट थिंग इज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी राइट एंड दिस पॉइंट्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज दिस पॉइंट्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज आल्सो द एक्सिस ऑफ द डाइपोल दिस इज आल्सो द एक्सिस ऑफ द डाइपोल एक्सिस ऑफ द डाइपोल इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज सो इज द डाइपोल मोमेंट राइट तो ये पोटेंशियल हो गया के cos कॉस्टा बाई r स्क्वेयर अब फील्ड क्या होगी इसकी तो फील्ड होगी इसकी यहां पर देखेंगे आप तो पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स आर एंड थीटा सो ई आर विल बी गिवन एज ई आर इज गिवन एज माइनस डेल वी बाई डेल आर सो इट इज टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब ठीक है एंड वॉट विल बी ई थीटा इट विल बी माइनस डेल वी अपॉन आर डेल थीटा और इट इज के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब नाउ दो ही कॉम्पोनेंट हैं तो दीज टू कॉम्पोनेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर These two components are perpendicular to each other, and this is the direction of the resultant field. So, the angle which it makes with Er is phi. So, tan phi is equal to E theta upon Er, or it is tan theta by 2, or phi is equal to tan inverse of tan theta by 2. This is phi, right? नाउ कम्स द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई आर कैसे दिया जाता है ई ER आर होता है ई आर स्क्वेयर प्लस ई थीटा स्क्वेयर तो यह होगा रूट ऑफ टू के पी बाई आर क्यूब कॉस थीटा का होल स्क्वेयर प्लस के पी बाई आर क्यूब साइन थीटा का होल स्क्वेयर ठीक है तो फ्रॉम हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ ई आर एस के पी बाई आर क्यूब रूट ऑफ थ्री कॉस्क्वेयर थीटा प्लस वन तो हमने रिजल्टेंट फील्ड निकाल लिया हमने फील्ड के हर एक कॉम्पोनेंट के बारे में डिस्कस कर लिया ठीक है ये एक्सप्रेशन जितने भी मैंने बॉक्सेस में बनाए हुए हैं ये आपको ध्यान रखना है जब जब इस थीटा की वैल्यू चेंज होगी जब जब इस थीटा की वैल्यू चेंज होगी आपको इसको भी चेंज करना पड़ेगा यहां पर वैल्यूज पुट करिए आपको फील्ड मिलेगा तो ऑन द एक्सिस अगर आपको फील्ड निकालना है तो थीटा को आपको लिखना पड़ेगा जीरो अगर आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकालना है तो आपको थीटा को लिखना पड़ेगा 90 डिग्रीज ठीक है तो ये तो बात हो गई डाइपोल की अब यह तो हो गया हमारा फील्ड देखना ठीक है अब हम बात करते हैं टॉर्क की तो टॉर्क डाइपोल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज पी क्रॉस ई टॉर्क ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज पी क्रॉस ई और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज पी डॉट ई तो यह हमको ध्यान रखना है ठीक है तो हमने डाइपोल के सारे फॉर्मुलेज डिस्कस कर लिए वी हैव डिस्कस्ड ऑल द फॉर्मूलाज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फ्रॉम द परसपेक्टिव ऑफ जेई मेन्स एंड नीट राइट इतना आप रिवाइज करोगे अगर और आप अगर आपको ये फॉर्मूले याद हैं तो ऑलमोस्ट आपके सारे सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आप अटेम्प्ट कर पाओगे जेई मेन्स -E और नीट लेवल पे ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर थैंक यू सो मच वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज गॉसिस lọc